मैं बंटू शर्मा YouTube के माध्यम से यह जो पौधा आप देख रहे हैं, जो हमारा एक मित्र खनन कर रहा है, इसे वास्तव में श्यामा हल्दी, इसे ही काली हल्दी, नरक चूर, कपूर हल्दी के नाम से जानी जाती है। यह देख सकते हैं यह पौधा, इसमें इसके पत्तों में ये काली रेखाएं होती है। इसके पत्तों को मसलकर सूंघने से यह जो है कपूर के भांति महकती है। इसके कई तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जो कई तरह के धन संबंधित वशीकरण कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक घने जंगलों में मैंने प्राप्त किया है। यहाँ कई तरह के और भी दिव्य औषधियाँ, जैसे ये देख रहे हैं यह जो पौधा है, वशीकरण पूठा इसे कहते हैं, और यह जो वनस्पति देख रहे हैं सर्प पत्ता, सर्प जड़ी नाम से जानी जाती है, और भी कई तरह के यहाँ वनौषधियाँ मौजूद हैं। पर यहाँ पे मैं नरकचूर को ही प्राप्त करने आया था, जिसे आप देख रहे हैं। यह धन संबंधित रुकावटों को दूर करती है। इसे शुभ योग में लाके इसे स्थापना करने से कई तरह के धन के अभाव, धन की कमी दूर होती है, कई तरह के कार्य बनते हैं। इसके तिलक करने से कई तरह के वशीकरण प्रभाव पड़ते हैं, और इसका उबटन के मापिक लेप करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है, तथा कई तरह के स्किन संबंधित शिकायतों से आप छुटकारा पाते हैं। देख सकते हैं यह पौधा, इसके कई औषधीय गुण भी हैं। ये खांसी में इसके पत्तों को काढ़ा बनाकर देने से यह खांसी को दूर कर देती है, चाहे खांसी कैसी भी हो। इसके उबटन माफिक इसका लेप करने से कैसे भी चर्म रोग जड़ से ठीक हो जाती है। देखिए और इसका उपयोग में लाए। धन्यवाद।